हमारे पास हमने ये देखा कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब ट्रेवल करता है तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर फोर्स लगती है। ये फोर्स इलेक्ट्रिक भी होती है, ये फोर्स मैग्नेटिक भी होती है, दोनों होती है। हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों हमारे पास यहाँ पे रहती है और क्रॉस फील्ड के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ध्यान से समझा था। आज हम यहाँ पर नई चीज शुरू करेंगे और हमारे पास आज हम शुरू करते हैं बच्चे द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायो सेवर्स लॉ। सो व्हाट इज द बायो सेवर्स लॉ? अकॉर्डिंग टू द बायो सेवर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द बायो सेवर्स लॉ, अगर हम बायो सेवर्स लॉ की बात करें कि हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द बायो सेवर्स लॉ, बायो सेवर्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड द, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, 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 अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। मेरे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। देखिए ये देखते हैं, हमारे पास यहां पर इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास क्या करती है बच्चे, एग्जिस्ट करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है और किसके एग्जिस्ट कर रही है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास। ये करंट है आई, ये करंट है बच्चे हमारे पास का, हमारे पास करंट आई एंटर कर रहा है और दूसरी तरफ से करंट आई आपके पास लीव कर रहा है। और मेरे पास यहां पर एक पॉइंट आ गया विच इज द पॉइंट पी, ये हमारे पास पी पॉइंट है। और हमारे पास यहाँ पर ये जो आपके पास कंडक्टर है, ये हमारे पास जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये मेरे पास एंगल थीटा है और ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है। अब देखो मेरे पास ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, नाउ दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। और हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस कंडक्टर की, वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर इस कंडक्टर की एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं डीएल। ये डीएल की लेंथ करंट के अलोंग होगी, और जैसे करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो डीएल भी नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगा। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालनी है, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे निकलेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे निकलती है, तो ये आ जाएगी म्यू नॉट आपके पास आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, फोर पाई आर। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब क्या क्या फैक्टर है अगर आप ध्यान से देखें, तो सबसे पहली चीज है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पहला कौन सा फैक्टर जिस पे डिपेंड कर रही है, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। ये हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू है 10^-7 एंड टेस्ला मीटर पर एम पे, जहां पर देखना बच्चे, जहां पर म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, जहां पर म्यू नॉट मैग्नेटिक आपके पास क्या है, परमिएबिलिटी है, जहां पर म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। देखो समझो, हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है वैसे ही मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी दो चार्जेस को इंट्रैक्शन करने के लिए परमिशन देती है कि मीडियम आपको कितनी परमिशन दे रहा है, वैसे ही मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, वो हमारे पास स्पेस में कितनी मैग्नेटिक पावर डेवलप होगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ये उस चीज को हमारे पास यहां पर क्या करती है, समझाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटिक फिनोमिना क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। अगर
अगर मैग्नेटिक परमेबिलिटी कम है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फिनोमिना एनहांस नहीं होगी बल्कि ये डिक्रीज आपके पास हो जाएगी। बोलो राघव, बोलो राघव। सर ये वैल्यू सर वैक्यूम के सर। यस, ये म्यू नॉट हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ऑफ द फ्री स्पेस या ऑफ द वैक्यूम। ये बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी है किसके बच्चे, आपके पास वैक्यूम की या फिर हमारे पास फ्री स्पेस की, वैक्यूम की या फिर बच्चे हमारे पास फ्री स्पेस की। ये मैग्नेटिक फील्ड कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वैक्यूम में रखे हुए पॉइंट के ऊपर निकाली जा रही है, दूसरा ये करंट के ऊपर डिपेंड करेगी करंट कितना बड़ा है, तीसरा लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है इस कंडक्टर की, किस लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो डीएल है, तीसरा साइन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा एंगल किस किस के बीच में है, लेंथ एलिमेंट, देखो लेंथ एलिमेंट आपके पास ऊपर माना जाएगा, लेंथ और पोजिशन वेक्टर के बीच का एंगल साइन थीटा, और नीचे मेरे पास आ गया आर स्क्वेयर, जो लेंथ है जो करंट कैरी कर रहा है उस एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बायो सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर बायो सेवर्ट्स लॉ का क्या आ गया बच्चे, हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर बायो सेवर्ट्स लॉ का क्या आ गया बच्चे, आपके पास फॉर्मूला आ गया। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई इनटू आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई इनटू बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहां पर क्या आ गया बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ गया बच्चे, फॉर्मूला। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें से, कोई प्रॉब्लम इसमें से, कुछ पूछना हो किसी बच्चे ने इसमें से। अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ, यानी कि मेरे पास किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड अब सोच के देखो कहां कहां एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर, सपोज कि मेरे पास यहां पर ये आपके करंट कैरिंग वायर है और मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है, ये पी पॉइंट पर निकालनी है, और ये डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे पास एंगल थीटा पे आ रहा है, समझो। अब एक बात बताओ बच्चे, अगर ये पी पॉइंट यहां पर आ जाए तो एंगल थीटा की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, बोलो शाबाश, एंगल थीटा की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, अगर ये पी पॉइंट यहां से ट्रेवल करके यहां पर आ जाए तो यहां पर एंगल थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, कोई बच्चा बताएगा, दी आंसर इज जीरो। और अगर ये पी पॉइंट आपके पास यहां की तरफ को आ जाए तो अब बताओ कि ये एंगल थीटा आपके पास कितने के बराबर हो जाएगा, ये थीटा एंगल अब बताओ कितना हो जाएगा, 180। और मुझे एक बात बताओ साइन ऑफ जीरो डिग्री क्या होता है, जीरो, और साइन ऑफ 180 क्या होता है, भी जीरो। तो पहली चीज बच्चे जिंदगी में याद रखना, अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर अगर मेरे पास कहीं पर भी करंट कैरिंग वायर है, अगर मेरे पास कहीं पर भी करंट कैरिंग वायर है तो वो करंट कैरिंग वायर, फिर समझो बच्चे, वो करंट कैरिंग वायर हमारे पास जीरो मैग्नेटिक फील्ड देती है बिल्कुल आगे वाले पॉइंट के ऊपर या बिल्कुल बच्चे हमारे पास पीछे वाले पॉइंट, बिल्कुल आगे वाले पॉइंट के ऊपर या बिल्कुल पीछे वाले पॉइंट के ऊपर वो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या दे देगी, जीरो। आपको वो क्या मैग्नेटिक फील्ड दे देगी बच्चे, जीरो। ये बात हमेशा याद रख पाओगे, ये बात बच्चे याद रख पाओगे, हमेशा एक करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल आगे की तरफ और एक बच्चे बिल्कुल पीछे की तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात याद कर पाओगे बच्चे, आप ये बात याद कर पाओगे। तो पहली चीज बच्चे हमारे पास यहां पर ध्यान रखना, हमारे पास एनी पॉइंट्स हमारे पास वो सारे पॉइंट्स इन द लाइन ऑफ कंडक्टर, इन द लाइन ऑफ द
in the line of the conductor body, in the line of the conductor body, in the line of the conductor body has आपके पास zero magnetic field. हमारे पास यहां पर इसकी zero magnetic field होगी. हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? Zero magnetic field. हमारे पास यहां पर भी zero magnetic field, यहां पर भी zero magnetic field. पहली चीज. दूसरी चीज, direction of the magnetic field. Direction of the magnetic field. मेरे पास यहां पर magnetic field का formula क्या? Mu naught upon 4 pi. ये बच्चे vacuum की property है कि जो magnetic field है आप उसको vacuum के अंदर निकाल दो. मेरे पास I, क्योंकि इसमें I current चल रहा है. DL, क्योंकि हम length ले रहे हैं DL. साइन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास आर का स्क्वायर. यहां पर हम कर क्या रहे? मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड को निकाल रहे हैं. हम यहां पर आर डिस्टेंस दूर एट द एंगल थीटा हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं. यह बच्चा हमारे पास हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड. यह बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड. यह लेंथ आपके पास आ गई थीटा और यह बच्चा हमारे पास एंगल क्या आ गया? थीटा. और हमारे पास यहां पर आपके पास क्या आ गया? आई करंट. और यहां से बच्चा हमारे पास क्या आ गया? आई करंट. और यह लेंथ डीएल है और यह एंगल मेरे पास है थीटा. अब ध्यान से सुनिए, इन द वेक्टर फॉर्म, अगर हम यहां पर इसकी वेक्टर फॉर्म को देखते हैं, इन द वेक्टर फॉर्म मेरे पास यहां पर db की वैल्यू किसके बराबर है? सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई इनटू dl क्रॉस ऑफ r, dl क्रॉस ऑफ r और नीचे r के मैग्नीट्यूड का होल, और नीचे मेरे पास r के मैग्नीट्यूड का आपके पास होल क्यूब आपके पास आ जाएगा. मैंने यहां पर वेक्टर फॉर्म को यूज किया कि मेरे पास a क्रॉस b का मतलब क्या हो जाता है? ये हमारे पास आ गया a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इनटू आपके पास sin थीटा. तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा. सो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इनटू हमारे पास क्या आ गया? sin थीटा. मैंने इसको यूज कर लिया. डायरेक्शन, the direction of the magnetic field, the direction of the magnetic field. आप यहां पर magnetic field की direction कैसे दोगे? तो हमारे पास यहां पर हम देंगे by the right hand curl rule, by the right hand curl rule, right hand curl rule. Right hand curl rule क्या बोलता है बच्चे? हमारे पास ये कहता है, अगर मेरे पास यहां पर लेंथ है dl जो कि करंट कैरिंग वायर की लेंथ है और ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है r और इनके बीच का एंगल मेरे पास क्या आ गया? थीटा. अब बताओ इसमें राइट हैंड कर्व रूल कैसे लगे? हमको dl क्रॉस ऑफ r निकालना बच्चे. dl क्रॉस ऑफ, हम यहां पे dl क्रॉस ऑफ r, तो dl क्रॉस ऑफ r मतलब मुझे राइट हैंड dl से r की तरफ को कर्ल करना, मुझे राइट हैंड dl से कहां की तरफ को कर्ल करना बच्चे? इस डायरेक्शन. तो अगर आप अपने राइट हैंड को कर्ल करते हो बच्चे, तो आपका जो थंब है बच्चे हमारे पास, अगर आप राइट हैंड को कर्ल करते हो तो आपको ये पता लगेगा बच्चे हमारे पास, ये राइट हैंड अगर आप कर्ल करते हो ऐसे dl क्रॉस ऑफ r, ऐसे देखो ये हमारे पास है dl ऐसे है, और बच्चे हमारे पास क्रॉस ऑफ r ऐसे, दोनों के टिप्स को मिलाना. dl की टिप को किसके साथ मिलाना बच्चे? आपने dl की टिप को यहां पर मिलाना बच्चे किसके साथ? r के साथ. dl की टिप को r के साथ मिलाना, dl की टिप को r के साथ मिलाना. तो dl क्रॉस ऑफ r, तो इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या आ जाएगी? नीचे की तरफ. dl क्रॉस ऑफ r, dl क्रॉस ऑफ r. फिर देखो बच्चे, जिसको नहीं समझ में आया, dl क्रॉस ऑफ आर, आप अपने राइट हैंड को डीएल पे रखो और उसको आर से मिलाना, तो आपका हाथ ऐसे घूमेगा. तो अंगूठा कहां पर है? नीचे.
तो हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चे वो हमारे पास नीचे आ जाएगी, डीएल क्रॉस ऑफ आर, डीएल क्रॉस ऑफ आर, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ। सर अगर मान लिया जाए, हाँ बोलो बोलो रक्षित, बोलो बेटा। सर इसकी डायरेक्शन अंदर या बाहर को जा सकती है? बेटा इसकी डायरेक्शन तो 3D में कहीं पर भी जा सकती है बच्चे, इसकी तो जैसे आपने बनाया है तो ऐसे इसकी डायरेक्शन अंदर को नहीं जाएगी? बेटा देखो ना बच्चे, हमारे पास मेरा अंगूठा कहाँ की तरफ को जा रहा है, मेरा अंगूठा कहाँ की तरफ को जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है ना, मेरा अंगूठा कहाँ पर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, डाउनवर्ड, देख नीचे वाई एक्सिस की तरफ। तो हमारे पास ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन के अंदर रखे हुए, ठीक है। अगर आप वेक्टर को ऐसे देखें कि मैंने डीएल ऐसे कर दिया और आर ऐसे कर दिया, अब इसके बीच का एंगल थीटा, अब डीएल क्रॉस ऑफ आर करके देखो, मेरा अंगूठा कहाँ की तरफ को जा रहा है, ये डीएल क्रॉस ऑफ आर, तो अगर मैं ऐसे गोल घुमाऊंगा तो मेरा अंगूठा कहाँ पर जा रहा है, अंदर की तरफ। इस केस के अंदर हाँ ये हमारे पास ऐसा नहीं है बच्चे, मेरे को लगा आपने उसको एक्स वाई प्लेन में रखा। नहीं नहीं ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड 3D, आपके पास स्पेस में एग्जिस्ट करती है, थ्री डायमेंशन स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 3D डायमेंशन में आपके पास एग्जिस्ट करती है रक्षित, और पॉइंट हमारे पास रक्षित ये है जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी बच्चे किसके, डीएल के भी परपेंडिकुलर हो जाएगी और साथ ही साथ बच्चे आर के भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे वो हमारे पास डीएल और आर, डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारे पास डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब अगर आप ध्यान से देखें ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास डीएल के भी परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ किसके परपेंडिकुलर है, आर के भी परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास डीएल के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर, और कैसे निकलती है, राइट हैंड कर्व। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, रीजन हमारे को अपने हाथों का इस्तेमाल करना बच्चे को थोड़ा अजीब लगता है कि हम किसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर लास्ट में राइट हैंड का इस्तेमाल करके किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन निकाल रहे, बट बेटा दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फंस जाओगे, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। कहने का मतलब मेरे पास मान लो स्पेस के अंदर ये आपके पास एक वायर है, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे एग्जिस्ट करती है, ये हमारे पास एक वायर है ना, अगर ये करंट आपके पास यहाँ पर कैरी कर रही है, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर इसके प्लेन के अंदर अगर आप चलोगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इसके प्लेन के अंदर देखो, अगर मैं इस मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर के प्लेन पे देखता हूँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और यहाँ पर इसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, अपवर्ड, और अगर मैं ऊपर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही होगी, ये बच्चे गोल घूमेगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल के गोल घूम के बच्चे फिर अंदर जाए, मेरी बात समझ गए, ये गोल घूम रही है, आपके मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर जा रही है, गोल घूम के यहां पर पहुंच रही है, फिर बच्चे गोल घूम के यहां पर पहुंच रही है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चार्ज या फिर बच्चे करंट कैरिंग वायर के आसपास सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करती है, जैसे मैंने कड़ा पहना हुआ है तो मेरे पास वैसे ही, अगर आप देखें तो मेरे पास अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कड़े की तरह होगी, देखा ये कड़े की तरह होगी, आप देखो तो ये कड़े की तरह होगी, तो हमारे पास इस कड़े के ऊपर इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ राघव बोलो बच्चे। सर एक बार से फिर से बता दो सर ये वाला क्या बच्चे, सर डायग्राम बनाना सर ये वाले बीच में, बड़ी सिंपल सी चीज है आपके पास, क्या अगर आपको कोई टीचर बोलता है कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर और इसमें अगर करंट आपके पास रहेगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास किस फॉर्म के अंदर होती है बच्चे, सर्कुलर फॉर्म के अंदर, कौन से फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, सर्कुलर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सर्कुलर फॉर्म में, ऐसा नहीं है
क्या आप में से कोई बच्चा बोल दे कि मैग्नेटिक फील्ड 1D है, मैग्नेटिक फील्ड 1D है, या फिर बच्चे 2D है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में क्या बच्चा आपके पास 3D है, वो पूरे बच्चे स्पेस के अंदर रहती है, वो हमारे पास किस में रहती है, पूरे स्पेस में, कहीं पर भी करंट कैरिंग वायर होगी, अगर मेरे पास कहीं पर भी करंट कैरिंग वायर है, इस वायर की वजह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, बाकी स्पेस में हर जगह पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। सिंपल सी तो बात है बच्चे राघव, हाँ या ना, अगर कहीं पर मेरे पास करंट यस कैरिंग, तो उस वायर की वजह से उसके आसपास के प्लेन के अंदर हर जगह पे बच्चे, ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ना तो ऊपर होगी ना नीचे होगी, बाकी हर जगह पे होगी, इसके चारों तरफ बच्चे आपके पास होगी, ऐसे ये ऐसे होगी बच्चे इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी वायर हर जगह पे आपके पास होती है, सिर्फ ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आज हम डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट बच्चा आपके पास एप्लीकेशन की, और हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी फाइनाइट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी इनफाइनाइट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट कर लेते हैं फिर इनफाइनाइट कर लेते हैं, पहले फाइनाइट कर लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी, हमारे पास यहाँ पर फाइनाइट वायर, हम इस रिजल्ट की डेरिवेशन बाद में देखेंगे, बिल्कुल बाद में देखेंगे, कोई टेंशन नहीं, पहले हम देख लें रिजल्ट के। सपोज कि ये मेरे पास एक फाइनाइट वायर, सपोज ये मेरे पास यहाँ पर एक फाइनाइट वायर है, और ये हमारे पास एक करंट कैरी कर रहा है, और ये वायर मेरे पास यहाँ पर करंट कैरी कर रहा है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, कौन से पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर, और हमारे पास यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसका एक एंड पॉइंट और मेरे पास यहाँ पर दूसरा एंड पॉइंट, आपके पास कितना कितना एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अल्फा एंगल बना रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बीटा एंगल बना रहा है, और ये हमारे पास करंट किसके बराबर है, आई के बराबर, और ये करंट है मेरे पास आई के बराबर। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर इज गिवन बाय, बहुत आसान है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ऊपर बच्चे हमारे पास आई, नीचे डिस्टेंस आर आएगा, आर आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और फिर ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ, मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ, बच्चे हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कोई इशू वाली बात नहीं। डायरेक्शन, हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर देखना बच्चे, होल्ड द करंट एलिमेंट, आप करंट एलिमेंट को होल्ड करना, होल्ड द करंट एलिमेंट विद द राइट हैंड, विद द राइट हैंड, विद द राइट हैंड, विद द राइट हैंड, विद द थंब, विद द थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, विद द थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, 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 द कर्ल ऑफ द फिंगर, द कर्ल ऑफ द फिंगर, the curl of the fingers at observation point, the curl of the finger at the observation points, at the observation points, at the observation points, at the observation points leads to direction of magnetic field, leads to the direction of the magnetic field, direction of the magnetic field,
डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है, हम अपने राइट हैंड से इसको पकड़ेंगे, ये मेरे पास यहाँ पर करंट कैरिंग वायर, मुझे इसको राइट हैंड से कैसे पकड़ना है? कुछ ऐसे कि मेरा अंगूठा करंट के डायरेक्शन में है ना, ये ऐसे ऐसे, ये अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो मैंने वायर के अंदर जहां पर रेड कलर की लाइन है वहां पर अंगूठा लगा दिया और इसको पकड़ने की कोशिश करनी। जब मैं इस वायर को पकड़ने की कोशिश करूंगा तो पी पॉइंट पर मेरी उंगलियां कहां की तरफ को जा रही होंगी बच्चे, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ, बताओ पी पॉइंट के ऊपर। तो आप देखा पकड़ने के चक्कर में मेरी उंगलियां अंदर की तरफ को जा रही है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द पी पॉइंट इज इनसाइड, और इनसाइड को बच्चे आप किससे डिनोट करते हो, तो आंसर आपके पास आएगा क्रॉस से। इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं बच्चे, क्रॉस से। मेरी बात फिर से समझो कि मेरे पास यहां पर भी करंट कैरिंग वायर जैसे ये जा रही है, मैंने पकड़ना, मैंने उसको पकड़ा, मेरा अंगूठा ऐसे गया करंट की डायरेक्शन में और पी पॉइंट पर मेरी उंगलियां कहां पर जा रही थी, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब कोई बच्चा बोलता है सर अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर होता पी डैश, तो जैसे मैं इसको पकड़ता अंगूठा ऊपर है, तो बताओ पी डैश पॉइंट पर मेरी उंगलियां कहां पर आ रही होती बच्चे, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। मेरी बात को थोड़ा दिमाग में रखो। पहला काम बच्चे आपको करना क्या है, आपके राइट हैंड का जो भी थंब है बच्चे आपके पास, यानी कि राइट हैंड के थंब को आपने करंट की डायरेक्शन में रखना। इंपॉर्टेंट बात ये, आपका थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लियर। फिर बच्चे राइट हैंड की जो फिंगर्स है हमारे पास, राइट हैंड की जो फिंगर्स है बच्चे हमारे पास, आप उन फिंगर्स को किसके अलोंग रखोगे बच्चे, आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे रखिए। ये बच्चे फिंगर्स आपके पास कहां पर जानी चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये फिंगर्स हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स की तरफ होनी चाहिए, और फिर आप देखिए कि आपकी उंगलियां कहां पर जा रही है, उंगलियां बाहर आ रही है कि अंदर आ रही है। यहां पर जैसे पी के ऊपर उंगलियां अंदर जा रही थी, यहां पर पी डैश पे उंगलियां कहां पर आ रही है, बाहर की तरफ, तो हमको पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूं। सपोज कि मेरे पास यहां पर ये एक करंट कैरिंग वायर, ध्यान से समझ, सपोज कि ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर फाइनाइट है, ये हमारे पास यहां पर करंट कैरिंग वायर है, और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहां कहीं पर निकालनी। देखना बच्चे हमारे पास इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है, और मेरे पास यहां पर ये आ गया और ये बच्चे आपके पास ये आ गया, और ये हमारे पास यहां पर आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, और ये मेरे पास एंगल आ गया 30 डिग्री, और दूसरा एंगल मेरे पास आ गया 60 डिग्री, और हमारे पास यहां पर और यहां पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, करंट, ये करंट है आई और ये डिस्टेंस है आर, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दे। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास साइन ऑफ 60 डिग्री, तो साइन 30 प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाय डिस्टेंस बच्चे हमारे पास कितना आ गया। बिल्कुल क्या मुश्किल है यार, इसमें से हम में से कोई भी बच्चा कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर साइन 30 हाफ रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये भी हो जाएगा डायरेक्शन। अब करंट ऐसे चल, देखो ऐसे चल, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर है, पी ऊपर है कि नीचे है, तो आप बोलोगे सर वो तो नीचे है, तो नीचे लेके आ जाओ, मतलब आपके फिंगर्स जो होगी वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आएगी, तो ये नीचे आ गया। अब मेरी उंगलियों की टेंडेंसी कहां की तरफ को जाने को है बच्चे, इनसाइड, देखो ना ऐसे इनसाइड, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास क्या आ जाएगी, इनसाइड आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास इनसाइड आ जाएगी, तो बहुत मुश्किल चीज ही नहीं जी।
पूछो बच्चा, अगर किसी बच्चे का डाउट रह गया तो। शाबाश, किसी बच्चे का डाउट रह गया तो पूछो बेटा। राघव, नीतिका, सलोनी, बच्चे पूछ लो नो बेटा। डाउट सर। अंगूठा करंट के डायरेक्शन में। अब मैंने ऊपर उंगलियां क्यों नहीं रखी बच्चे, क्योंकि तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर से ऊपर है कि वायर से नीचे, तो वायर से मेरे को अपने हाथ बच्चे मूवमेंट करके देखनी पड़ेगी कि मेरा हाथ कैसे चलेगा। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखना और उंगलियां ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चे। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर केस आ जाता है, द केस ऑफ द इनफाइनाइट वायर, द केस ऑफ द इनफाइनाइट वायर। मेरे पास अगर इनफाइनाइट वायर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गए बच्चे, ऐसे करके वायर आ गई बच्चे आपके पास, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये वायर आ गई, और हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब ध्यान से समझिए, तो मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये आपके पास एंगल अल्फा और ये बीटा। अब मान लिया जाए देखो बच्चे, मेरे पास ये एंगल आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। अब मान लिया जाए कि ये वायर कहाँ की तरफ को पहुंच जाती है बच्चे आपके पास, इनफिनिटी। मेरी बात को समझ पा रहे हो, सपोज कि ये वायर कहाँ की तरफ को जा रही है बच्चे आपके पास, इनफिनिटी की तरफ। सपोज कि ये वायर बच्चे हमारे पास कहाँ पर जा रही है, इनफिनिटी। सपोज कि ये वायर कहां पर जा रही है, इनफिनिटी। तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये अल्फा एंगल और इस बीटा एंगल में क्या चेंजेस आएंगे जैसे जैसे ये इनफिनिटी की तरफ हो जाएगी, बोलो। ये आपके पास एंगल क्या होने लग जाएंगे, अल्फा और बीटा क्या होने लग जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे कि डिक्रीज हो जाएंगे, बोलो। शाबाश, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा और इनफिनिटी पे जाकर ये लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, बोलो। शाबाश बच्चा, ये तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो जब वायर इंफिनिटी की तरफ को जाएगी, फिर समझो बच्चे, जब हमारे पास वायर इंफिनिटी की तरफ को जाएगी तो आपका अल्फा एंगल और बीटा एंगल ये इंफिनिटी पे जाकर क्या हो जाएगा, बोलो। शाबाश बोलो बेटा, ये हमारे पास इंफिनिटी पे जाकर क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो। तो ये बच्चे हमारे पास इंफिनिटी पे जाकर, ये बच्चे हमारे पास इंफिनिटी पे जाकर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और यहां पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर वायर इनफाइनाइट, तो हमारे पास अगर वायर इंफिनिटी की तरफ को जाती है, अगर वायर कहाँ की तरफ को जाती है बच्चे, इंफिनिटी की तरफ को। अगर हमारे पास यहाँ पर वायर इंफिनिटी की तरफ को जाती है तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, सो दिस विल बी म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आएगा, 4 पाई आर। और अब बताओ बच्चे, साइन ऑफ यहाँ पर 90 डिग्री प्लस ऑफ, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 90 और साइन 90, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी किसके बराबर आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर। साइन 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 2। मान लिया जाए कि करंट नीचे की तरफ को आ रहा है, अब ऊपर नहीं जा रहा, करंट नीचे की तरफ को आ रहा है। कोई बच्चा बता सकता है कि पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बच्चा बताए। करंट नीचे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर है बच्चे, बताओ ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर है, इस तरफ है कि इस तरफ है, तो आप बोलोगे सर दूसरी तरफ है, एस। ये देखो मेरा हाथ बिल्कुल पी के साथ मैच कर गया, बिल्कुल मैच करवाना, अंगूठा नीचे और बच्चे हमारे पास उंगलियां पी के ऊपर, तो मेरी उंगलियों की टेंडेंसी कहाँ की तरफ को जाने की है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास क्या आ जाएगी, आउटसाइड। ये ऑफ कोर्स ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2 आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। और डायरेक्शन हमारे पास आउटसाइड आ जाएगा, और डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, आउटसाइड, और डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, आउटसाइड। जी अब पूछिए बच्चे, किसी बच्चे का डाउट बोलो राघव। एक बार डायरेक्शन सर, इनसाइड नहीं है कि सर उसकी तरफ, तो उंगलियां सर, सर उंगलियां सर पी की तरफ नहीं है सर, होगी उंगलियां अगर पी की तरफ है तो उसकी टेंडेंसी कहाँ की तरफ को जाने की, उंगलियां होने से कुछ नहीं होगा ना,
आपकी उंगलियां कर्ल कहाँ की तरफ को हो रही है, बाहर की तरफ को आ रही है कि अंदर की तरफ को जा रही है? बाहर की तरफ। ठीक है, समझ गया, डाउट आ जाएगा। ठीक है, उंगलियां रख के उनको घुमाना भी है। समझ गया सर, समझ गया। मेरे हाथ में मैग्नेटिज्म पढ़ाते पढ़ाते दर्द हो जाता है। बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि है तो सारा गेम बच्चे आपके पास उसी का कि आप जो है बच्चे डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालते। ठीक है बच्चे, सब पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन हमको धीरे धीरे करके, और ये बड़ा आपको इंटरेक्टिव रहना पड़ता है। टीचर, अच्छा टीचर ये करवा रहा है, जो टीचर के साथ दिमाग में रखना, मतलब कि टीचर जो करवा रहा है उसके ऊपर बिल्कुल फोकस करके आपको काम करना पड़ता है। क्या वो काम कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, जैसे ही आप यहाँ पर फोकस करोगे आपको समझ में आ जाएगा मेगा कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक, चलें बच्चे। एक होगी इनफाइनाइट, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास क्या आ जाए, सेमी इनफाइनाइट वायर। अब सेमी इनफाइनाइट वायर कैसे होती है तो जरा चेक कर लेते हैं। और सेमी इनफाइनाइट वायर के भी मेरे पास दो केसेस हो जाते हैं। तो मेरे पास यहां पर क्या आ गई, वी हैव दी सेमी, आपके पास इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। यानी कि मेरे पास यहां पर एक ऐसी वायर है जिसका एक एंड पॉइंट तो मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं पता। यानी कि वो कहां की तरफ को जा रहा बच्चे, इनफिनिटी की तरफ। यानी कि इसके बाद हमारे पास ये वायर कहां की तरफ को जा रही है बच्चे, इनफिनिटी की तरफ। ये वायर हमारे पास यहां से अब इनफिनिटी की तरफ को जा रही है, ये वायर यहां से हमारे पास इनफिनिटी की तरफ को जा रही है। सो इसका एक का एंड पॉइंट मुझे पता है, दूसरा नहीं पता, इनफिनिटी। और ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारे पास, ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक, वायर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस आर के बराबर, वायर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस आर के बराबर। यहां पर एक तरफ का जो एंगल है वो तो बच्चे हमारे पास अल्फा आ गया। अब बताओ दूसरी तरफ का एंगल अल्फा या बीटा कुछ आएगा या 90 डिग्री हो जाएगा, क्या लगता है बच्चे? सो हमारे पास ये एंगल तो चलो अल्फा आ गया, और बीटा एंगल अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास बीटा एंगल यहाँ पर 90। अब मान लिया जाए कि करंट आपके पास यहाँ पर चल रहा, हमारे पास यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन के अंदर चल रहा, ये करंट ऐसे चल रहा, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में चल रहा, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में चल रहा, और हमारे पास ये करंट किसके बराबर आ जाता है, आई के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर ये करंट किसके बराबर आ गया, आई के बराबर। अब मुझे बताना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालोगे। तो देखिये एक एंगल अल्फा और दूसरा 90, तो देखते कैसे निकालते। तो मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डिवाइडेड बाय आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक एंगल अल्फा और दूसरा एंगल 90 डिग्री, डायरेक्शन। तो बताओ इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी बच्चे हमारे पास, कोई बच्चा बता सकता है? तो हमारे पास करंट ऐसे जा रहा है, ये देखो ऐसे, और मैं अब उंगलियां ऊपर, आउटसाइड होगी, नहीं नहीं बेटा ऊपर, उंगलियां ऊपर लेकर राइट हैंड में करंट ऐसे चला स्क्रीन के साथ, और पी पॉइंट पर उंगलियां लेके जा, मेरी उंगलियां कहां की तरफ, इनसाइड में उल्टा बोल गया, इनसाइड लिखा, इनसाइड था वो आउटसाइड दिया सर, सॉरी सर। हां नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास यहां पर इनसाइड, अरे कोई नहीं, हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है हो जाएगा, अगर हम ध्यान रखते रहेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हमारे पास एक और चीज आ सकती है सेमी इनफाइनाइट में, जब यही पी पॉइंट कहां पर आ जाए बच्चे, एंड पॉइंट के ऊपर। तो एक और केस हमारे पास सेमी इनफाइनाइट का बन सकता है, एक और केस देखो कैसे, हमारे पास यहां पर सेमी इनफाइनाइट का एक केस और बन सकता है। हमारे पास यहां पर ये वायर इंफिनिटी की तरफ को जा रही है, ये आपके पास आ गया। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर आ गया, अब मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहां पर आ गया, आपके पास यहां पर आ गया, ये देखो। और हमारे पास जैसे ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर यहां पर आ गया, और ये वायर अब कहां की तरफ को जा रही है, इंफिनिटी पे।
वायर करंट कितना कैरी कर रही है बच्चे, हमारे पास आई करंट कैरी कर रही है। अब क्या करूंगा, यहां पर ए का एंगल अल्फा, ये तो बच्चे जीरो डिग्री हो जाएगा, आपका पी पॉइंट आ गया तो अल्फा जीरो हो जाएगा, और जो बीटा एंगल है वो हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगा, 90। सोच के देखना बच्चे, सोच के देखना, ये ऐसी तो होगा ये पी पॉइंट। फिर देखो बच्चे, अगर ये पी पॉइंट यहां पर आ जाए, यहां आपका ये पी पॉइंट यहां पर आ जाए इसके जस्ट ऊपर, तो आपका अल्फा एंगल इस लाइन को यहां पर लेके आ जाओ, तो ये दोनों हरे रंग की लाइन और लाल रंग की लाइन मैच हो जाएगी, तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो, और बीटा आपके पास 90 ही रहेगा, और बीटा हमारे पास यहाँ पर 90 रहेगा, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डिवाइडेड बाय आर। तो एक एंगल साइन ऑफ 0 डिग्री और दूसरा साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री। अब हमारे पास यहां पर करंट ऐसे चल रहा है, ये देख लीजिए, और पी पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर हो जाएगी, आउटसाइड। तो हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या हो जाएगी बच्चे, आउटसाइड। देखो ना, करंट ऐसे चल रहा है, ये ऊपर है तो आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगी, आउटसाइड। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट, यानी स्ट्रेट लाइंस के अंदर मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं फिर आपको बता देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स होंगे, एक फाइनाइट लाइन का, दूसरा मेरे पास इनफाइनाइट का होगा, तीसरा मेरे पास यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट का, और सेमी इनफाइनाइट में दो चीजें होंगी, एक बच्चे जहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपके पास क्या होगा बच्चे, ऑन एंड पॉइंट, ऑन द एंड पॉइंट, और दूसरा जहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट अदर देन एंड पॉइंट, तो अदर देन एंड पॉइंट, अदर देन आपके पास क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट। तो आप खुद देखो यार, ये क्वेश्चन कितने इजी हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, मेरे पास यहाँ पे टीचर एक क्वेश्चन पूछता है, टीचर बोलता है कि आप ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर, देखिए कौन सा, तो मेरे पास आप देखिए कि ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर ऐसे, ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर, देखते ये आगे, और इस करंट कैरिंग वायर से हमारे पास कुछ डिस्टेंस की दूरी पे, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यह हमारे पास पॉइंट पी आ जाएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट पी आ गया, और हमारे पास यहाँ पर ए का एंगल आपके पास ये, और एक एंगल आपके पास ये, और हमारे पास ये एंगल आ गया 45 डिग्री और दूसरा एंगल आ गया 30 डिग्री, और करंट कैसे चल रहा है, आपके पास करंट ऐसे चल रहा है आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब बताओ कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन बच्चे 4 पाई और आई डिवाइडेड बाय आर, और मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 30, तो साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 30, सो साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30, समझो। अब मेरे पास यहाँ पर साइन 45 साइन 30 ये तो निकल जाएगा डायरेक्शन। अब देखो बच्चे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर करंट ऐसे जा रहा है तो पी पॉइंट के ऊपर मेरी अगर उंगलियां जाती भी हैं बच्चे, तो उनकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, यानी कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ को आ जाएगी, अंदर की तरफ को चली जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो आप यहां पर बोलोगे कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आप इसको क्रॉस से डिनोट करोगे, हम इसको क्रॉस से डिनोट करेंगे, तो हमारे पास ये कोई बहुत मुश्किल नहीं, मुश्किल क्या है, इसके डायरेक्शन को ढूंढ, ठीक, इसके डायरेक्शन अगर मैंने ढूंढ ली तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को बड़े आराम से निकाल पाऊंगा, ठीक। तो अभी के लिए बच्चे आप इसको थोड़ा रिपीट कर लेना, कल हम इसको खत्म भी हो जाएगा, और बच्चे कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन आप रिपीट करना, तब न्यूमेरिकल्स करने का कल मजा आएगा, अगर नहीं करोगे फिर न्यूमेरिकल आपको बोझ लगेंगे, तो कल हमारा ये सेक्शन भी खत्म हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड पार्ट है
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट्स का वो भी खत्म हो जाएगा, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इस वजह से कल तक इसको रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना बच्चे। बाय बाय।